नीमच जिले में आई बाढ़ ने इस वर्ष तबाही का जो तांडव दिखाया है उसने किसान क्या मजदूर के हर किसी परिवार की आम जिंदगी को प्रभावित किया है। बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को जानने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रीगण तथा विपक्षी गण और यहां तक कि स्थानीय प्रदेश स्तर के नेताएं भी आए और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर उनके जख्मों पर मरहम लगाने के भी प्रयत्न किए और उन्होंने प्रशासन को दिशा निर्देश भी दिए और मुआवजे की राशि भी दिए जाने की बात भी कही। परंतु अब स्थिति यह है कि कई गांवों के ग्रामीण आज भी नीमच कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और भटक रहे हैं कि उनके तो ग्राम में सर्वे तो हुआ परंतु उनके 40-50 गांव के परिवार ऐसे हैं जिनके सर्वे नहीं किए गए। तो कहीं ना कहीं यह प्रशासन की लापरवाही कहे या जल्दबाजी कहें जो ग्रामीण आज भी कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। हालांकि कलेक्टर ने इन ग्रामीण देवरान से आए ग्रामीणों को आश्वासन दिया, शीघ्र ही सर्वे कराने की बात भी कही और उनको मुआवजा दिलाने की बात भी कही। आइए सुनते हैं इनका क्या कहना। सर्वे तो हुआ था लेकिन कुछ लोगों के राहत राशि पहुंची है और कुछ लोगों के खाता में राहत राशि अभी तक नहीं पहुंची है और बहुत से लोग सर्वे से भी वंचित रह गए हैं। सभी को कलेक्टर महोदय से ज्ञापन देके कलेक्टर महोदय ने कहा है कि मतलब सबका सर्वे वापस से पुनः करवाया जाएगा, कोई वंचित नहीं रहेगा। हमारे गाँव में लगभग मतलब कम से कम 200 घर बाढ़ प्रभावित है और सभी में सर्वे हुआ था। पटवारी ने वगैरह ने सभी नीमच की टीम आई थी, उन्होंने सर्वे किया था लेकिन सर्वे के कागज शायद पूर्ण रूप से पहुंचे नहीं है तो आधे के खातों में अभी तक राहत राशि भी नहीं पहुंची और कुछ लोगों के खातों में राहत राशि पहुंच गई है और कुछ लोग सर्वे से वंचित भी रह गए। बहुत से लगभग 50 से 60 घर ऐसे हैं जो इनका सर्वे अभी तक नहीं हुआ। तो जब आपने उन लोगों से कहा कि हमें सर्वे में हमारा नाम नहीं आया है हम लोग, तो इन लोगों का क्या कहना था उस समय? उन लोगों का कहना था सर उस टाइम पे सभी काम में लग रहे थे, किसी के घर पे मतलब कोई मिला नहीं है कि कोई अपना मतलब धान पानी सड़ा हुआ धान पानी बाहर फेंकने में लग रहा था तो सर्वे टीम ने अचानक से एक ही दिन में सर्वे किया और सभी चले गए। उसके बाद फिर अब होगा 2-3 दिन निकल गए, अभी तक सर्वे टीम भी नहीं पहुंची और कुछ भी नहीं हुआ है। देवरान बाढ़ से पीड़ित था सर, पूरे गाँव में लगभग हर घर प्रभावित हुआ है तो कुछ घरों में राशि पहुंच चुकी है, कुछ का सर्वे अधूरा रह गया है। तो हमारी कलेक्टर महोदय से यही मांगती है कि सभी का उचित रूप से पूरे गांव का सर्वे करवाया जाए और सभी को राहत प्रदान की जाए। सभी को उचित रूप से मुआवजा मिलेगा तो या राहत राशि मिलेगी तो सभी में समानता होगी और किसी के पहुंच चुके हैं किसी के नहीं पहुँचे हैं तो उचित सर्वे करवा कर सभी को राहत राशि की मांग हम कलेक्टर महोदय से करने आए हैं।